सो गाइस मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 1/10/2020। तो इस महीने मैंने वापस से सोचा कि भाई 30 के 30 दिन वीडियो आएंगे। हर महीने के 1 तारीख को सोचता हूँ लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है काफ़ी टाइम से आप लोग भी बेकरार थे कि भाई कब आएगा इमरान भाई का वीडियो, कब आएगा उनका मॉडिफिकेशन वीडियो। तो फाइनली 1 तारीख को आ गया है। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के तो सबसे पहले इमरान भाई से मिल लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे खासे है, चंगे है। ये बता दो यार, तुम लोगों को फोन का रिप्लाई मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते? अरे कैसे, बहुत से मैसेज आते रहते हैं तो काम का भी लोड रहता है, वो हिसाब से थोड़ा लेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, फ्री होते सबको रिप्लाई करते हैं और उनका काम भी हो जाता है। तो भाई आज क्या दिखने वाला है अपनी स्टूडियो में? तो यहाँ पे पूरा स्टार्ट टू एंड फिटिंग करना है यामा RX 100, वो भी ग्रे कलर में, और थोड़ा एंटी मतलब उसमें डिस्क ब्रेक वगैरह है, स्पीडोमीटर हेडलाइट वगैरह थोड़ा चेंजेस किए हुए, तो पूरा स्टार्ट टू एंड आपको बताएंगे। और एक सबसे अच्छी बात, ये काम स्टार्ट होने वाला है जीरो से। ये जो आपको पूरा पसरा हुआ दिख रहा है ये पूरा यामा RX 100 है या 135? RX 135 है। RX 135 है। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ यामा RX और 135 में, हमेशा टाइटल मिस्टेक करता हूँ, लेकिन दोनों गाड़ी एक ही है, बस थोड़ा सा सीसी का फर्क है। तो इधर से काम स्टार्ट होएगा। और इसमें सबसे पहला चीज क्या इंस्टॉल होता है भाई? इसमें स्टीयरिंग का कोन होगा, टी लगेगा, फिर टी का प्लेट लगेगा, हैंडल लगेगा, फिर फोक चढ़ेगा, उसके बाद में व्हील चढ़ेगा, मतलब आगे से पीछे पीछे जाते रहेंगे। ओह यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी पूरा सेट हो गया। अभी इसके अंदर एक ये जो मेन है ये, इसको टी बोलते हैं ना, ये टी, हाँ, ये टी, टी, ये टी प्लेट, और यहाँ से रोड आता है, फिर ये ऊपर से सेटल होता है और यहाँ से ये लॉक किया है, जो यामा में बहुत ही प्यारा लगता है। तो कान बोलते हैं, हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होता है इसको फिट करने में, क्योंकि ये बीच में पार्ट आता है तो उसको वहाँ से आधा फिटिंग, फिर यहाँ से आधा फिटिंग, फिर देन वो पाइप को आगे लेते हैं। एक बार फिटिंग हो गया तो भाई लोग जो मत इतना अच्छा है इसका, ये देखिए पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया, टाइट हो गया। अब बारी है मडगार्ड की। मडगार्ड लगने के बाद डायरेक्ट व्हील लगा दोगे कि व्हील बाद में? व्हील लगा देंगे, व्हील लगा देंगे, फिर गाड़ी को आगे खड़ी कर देंगे। तो देखिए कितना जल्दी काम हो रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक प्यारा सा टाइमलेस भी ले रहा हूँ, जो आप वीडियो के एंड में देखोगे किस काम को किस रफ्तार से किया है। यहाँ पे हैंडल हॉर्न, आगे का मडगार्ड और आगे का आपको पूरा लुक दिख रहा है यहाँ पे। और अब जा रहा है इसमें सिग्नल। यहाँ पे इसका व्हील भी फिट और ये डिस्क ब्रेक भी है। तो ये जो पूरा किट है इमरान भाई, कौन सा किट है बताएंगे? ये पल्सर 150 ओल्ड मॉडल है, एक कैलिबर में भी आता है, डिस्क ब्रेक वाले। ओके, मतलब पल्सर 150 का रिम है, डिस्क ब्रेक है, दोनों पाइप है, जो टी है वो खाली यामा की है, हैंडल भी पल्सर का है, अपनी यामा है, अपने पहिए पे आ चुकी है सिर्फ एक पहिया, जो सेकेंड पहिया पीछे वो भी लगने वाला है, पीछे का टी लग रहा है। और डोंट वरी, मैं यहाँ पे टाइमलेस भी ले रहा हूँ जो आप देखेंगे एकदम वीडियो के एंड में। और यहाँ पे देखिए अब गाड़ी किस तरह मस्त यामा के लुक में धीरे धीरे ढल रही है। तो अब ये जो अनबॉक्स हो रहा है ये है इस यामा का टूल बॉक्स। मतलब भाई गाड़ी में A to D डिटेल इसमें रखा जा रहा है, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा है। वाह, इसमें हम टूल रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे भी व्हील और यहाँ पे पीछे भी व्हील लग गया, और गाड़ी जो है आपको थोड़ा फ्रेम में दिख रहा होगा। अब जो मिसिंग है खाली इसमें इंजन, इंजन लग जाए तो भाई इस गाड़ी को कोई भी बंदा पहचान लेगा ये कौन सी बाइक है।
जिस पल का इंतजार था, मतलब इस बाइक का हार्ड, हार्ड कह सकते ना इमरान भाई इसको, हार्ड कहे कि दिमाग कहे? नहीं, हार्ड। ओके ओके हार्ड, तो ये हार्ड है समझ लीजिए, हार्ड जितना धड़केगा उतना ये घोड़ा भागेगा। वाह क्या लग रहा है। सो भाई अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप, अरे यार मैंने कैप निकाले ने, रियली सॉरी, कभी कभी ये मिस्टेक हो जाता है। सो यहाँ पे आपने देखा अभी तक यामा में दोनों व्हील्स लग गए हैं, इंजन लग गया है, हैंडल लग गया है, मतलब यामा अपने रूप में आ गया है, दोनों टायर लग गए, इंजन लग गया, हैंडल लग गया और यामा का रूप यहाँ पे दिख रहा है। सो भाई अगर आपको पता नहीं है, ओके आई नो बुरा मत मानना, अगर आपको पता नहीं कि यामा का इतना डिमांड क्यों है, टू स्ट्रोक बाइक का 100cc इंजन है और ज़्यादा ढांसू वाला लुक भी नहीं है, मतलब सिंपल सादा बाइक का लुक, लेकिन इसका जो डिमांड है ना यार, एक नंबर का डिमांड है, मतलब इसको इस टकर टकर के बेचेंगे तो लाख से कम बिकेगा नहीं, सही बोला ना? Yes. मतलब फुल कंडीशन में करके रखेंगे ना यार, तो लाख से ऊपर कोई लेगा नहीं। अभी भी इसमें इतने सारे पार्ट लग गए, लेकिन यहाँ पे नज़र आता है तो ये सब दिखते, मतलब इतने सारे पार्ट या अभी और इसमें इंस्टॉल होना बाकी है। ये पूरा रबर आइटम है जो गाड़ी के वाइब्रेशन को और फिटिंग में अच्छा काम करता है। यहाँ पे नट बीट है, यहाँ पे साइलेंसर है, देन यहाँ पे वो फिल्टर बॉक्स है, वहाँ पे क्लच का वो साइड का है, फिर वहाँ पे बेली है और यहाँ पे इसके बाकी पार्ट्स है जो इसमें इंस्टॉल होना बाकी है, और दो प्यारे यहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्पीडोमीटर। इस क्लच को क्या बोलते हैं? मॉक्सी लीवर्स। अब जो है बस वो काम बचे, एग्जॉस्ट देखो लग रहा है उसका, वो जो एग्जॉस्ट लगेगा, बाकी कार्बोरेटर लगेगा, उसके बाद सीट लगेगा जो यहाँ पे सीट है, और हेडलाइट बाकी है, मेन इसमें हेडलाइट लगना, वो सब लगने के बाद गाड़ी का जो फिटिंग है यहाँ पे ओके हो जाएगा, और मेन चीज़ गाड़ी का वायरिंग, वो भी आज ही होएगा। कोशिश करेंगे कि आज हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दें, वरना पार्ट टू में इस गाड़ी का पूरा रिव्यू रहेगा, स्पीड एंड स्टार्ट एंड फायरिंग कैसा साउंड आ रहा है। आई सो भाई गाने के मज़े लेते हुए गाड़ी देखिए, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया, साइलेंसर और यहाँ पे किक लग गई है, और इस बड़े दिल का छोटा दिल बोल सकते हैं, यहाँ पे कार्बोरेटर जो अभी इसमें इंस्टॉल होएगा और बाकी काम आगे बढ़ेगा। सो अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा भाई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और डिस्क्रिप्शन में इमरान भाई का इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया रहेगा, जाओ फॉलो करो, कुछ भी आपको पूछना हो मॉडिफिकेशन या कुछ भी पार्ट्स के बारे में अपडेट मिल जाएगा। सो देखिए यहाँ पे डिस्क ब्रेक कैलिबर, डिस्क ब्रेक लीवर, और यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल जो आपको दिख रहे हैं, जिसमें लाइट ऑन ऑफ सिग्नल है, यहाँ पे चॉक है, और क्या यहाँ पे हैंडल जो है पूरे अपने रंग रूप में आ चुका है, और यहाँ पे कार्बोरेटर भी अच्छे से लग गया है इसका, यहाँ पे T2 जो ऑयल पंप है इधर भी एक वायर आ गया, मतलब ये भी काम करता है T2 ऑयल। यहाँ पे इस चीज़ का टाइम लैप्स निकल रहा था, जो आपने देखा कि इमरान भाई कितना घपाघप इसका फिटिंग करे जा रहे, और फाइनली यहाँ पे गाड़ी पूरा 85% फिटिंग हो चुका है, 15% बचा है जो कि टैंक है, सीट है, पीछे का लाइट और आगे का LED हेडलाइट है, जो उसका बॉक्स कहीं वहाँ पे रखा हुआ है, इसमें LED हेडलाइट लगने वाला है। ये जो साइज़ है ये बड़ा साइज़ है, छोटा साइज आएगा। सो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने वाले और आपको दिखाने वाले, अभी यहाँ पे होगा, आपके सामने होगा, वन टेक में होगा। सो देखो यहाँ पे अभी जस्ट ये पेट्रोल इसमें डाल रहे हैं, और ये आपके सामने किक मारेंगे कि भाई अभी अभी जस्ट गाड़ी फिटिंग हुई है और कितने किक में स्टार्ट होती है ये हम देखेंगे। वो अच्छा ये वाला नहीं है क्या, वो पॉइंट वाला नहीं? ओके, थोड़ा सा इसमें पेट्रोल वेस्ट होएगा यहाँ पे, लेकिन चालू होगा। ये पेट्रोल गया, मैं इसको पकड़ता हूँ, अच्छा नहीं गिरेगा, अच्छा यहाँ पे चलेगा। ओके सो मैं बिल्कुल कट नहीं कर रहा हूँ कैमरा, सो देखिए 1 2 3 4 5 छः, कोई बात नहीं। अच्छा करंट चेक कर लो, कि करंट चेक कर लो, अच्छा करंट चेक भी नहीं किया था, ओके एक बार करंट चेक कर लेते हैं, करंट नहीं आ रहा, करंट ही नहीं आ रहा, तो भाई इसको कोई ये नहीं,
एक बार करंट चेक कर लेते हैं। आया आया करंट आया, अब चालू हो सकता है। ओहो हुआ स्टार्ट। अब ये गाड़ी यहाँ पे चालू हो गया तो इस वापस से पेट्रोल आ गया और ये देखिए एक दो किक में गाड़ी यहाँ पे चालू हो गई। ये इसका मैग्नेट खोलना, ओके मैग्नेट परफेक्ट। ये देखो टाइमिंग से गाड़ी आपके सामने चालू। भाई ये था पार्ट वन, पार्ट टू आएगा इसका फाइनल लुक। ओके सो फाइनल लुक में आप देखने वाले हो कि गाड़ी फाइनल में कैसा दिखने वाली है। टैंक कलर ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, इनको मैं जब से आया हूँ तब से बहुत फ़ोन आ रहे हैं और पता नहीं कैसे फ़ोन ऑपरेट कर रहे और काम कर रहे हैं। सो आप भी समझ जाओ कि आप फ़ोन करोगे और इन्हें नहीं रिस्पॉन्स करेंगे समझ आने कि भाई बिजी है। आ जाएगा चार पाँच दिन में वीडियो फाइनल वाला। तो यहाँ तक का था पूरा फिटिंग का वीडियो, किस तरह ये मतलब पार्ट को जीरो टू स्टार्ट करते और जितने भी सारे पार्ट थे वो मतलब ऑलमोस्ट न्यू थे। पेंटिंग में क्या गया था? सिर्फ पेंटिंग में इंजन वगैरह, इंजन फ्रेम और छोटा मोटा और बाकी फाइबर बॉडी, पूरा फाइबर बॉडी और बाकी जो पूरा पूरे पार्ट जो है सारे यहाँ पे नए आए हैं। क्रोम पार्ट्स ऑलमोस्ट न्यू ही। अभी ऑडियंस को एक चीज बता दो ऑलमोस्ट इसमें 35 to 38,000 के आसपास गया है। सब पार्ट्स नए हैं, क्रोम स्पोक है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है, एलईडी हेडलाइट है, ड्यूल स्पीडोमीटर है, वो आपको फाइनल लुक में पता चल जाएगा। जो मैंने आपको दिखा दिया सब सारे प्रोडक्ट दिखा दिए हैं। सो अभी आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ आपको अपनी गाड़ी ला के देनी है, 35 या 38,000 देना और गाड़ी को नया करके लेके जाना है बस। भाई बाकी डिटेल इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो सागर, थैंक यू। यस सागर भाई का नाम आ रहा है, सागर भाई इमरान भाई, सब एक ही भाई अपने। अब मैं जो हूँ आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। ओके यहाँ पे इमरान भाई ने यामा आरएक्स का काम स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी को पूरा रिस्टोर किया जिसमें 35 से 38,000 गया है। अब पार्ट टू इसका आएगा जब गाड़ी पूरी फाइनल लुक कैसी लगेगी। रात के मतलब जब भी राइड जाता हूँ ना रात के मतलब भाई 12 तो बजे जाते हैं ऐसे ब्लॉग ख़त्म करने में, मेरी बाइक वहाँ पे KTM टकाटक है यार, बिना सर्विसिंग का जाके आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये अंधेरे में आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए बाइक टॉप बॉक्स टॉप साइड बॉक्स टॉप बॉक्स लग गए। अब जो बाकी जो भी है राइड कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे, क्या था रे भागो भूत है, कहाँ जा रहे क्यों जा रहे, ये आपको दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा। बाय बाय।